अस्सलाम वालेकुम, गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ। अगर आप गिव अवे टाइटल देके इस वीडियो पर आए हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं इस केबल की गिव अवे करूँगा, बल्कि फ़ोन की नहीं, इस केबल की मैंने यहाँ पर गिव अवे रखा हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप ज़रूर आगे तक देखिए क्या कुछ इसे करना है, इस पाने इसी केबल को पाने के लिए, और मैं आपको समझा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज किए हूँ, यदि कि मैं रियली 5-2 परचेज किया हूँ। सेम कलर है, सेम स्टोरेज है, और कुछ डिस्काउंट अगर था इसलिए मैंने परचेज किया। और एक बायो ऑर्गेनिक की तरफ से एक एलोवेरा जेल है, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा था मुझे, इसलिए मैंने दोबारा इसे ऑर्डर प्लेस किया और मैंने परचेज भी किया। तो काफ़ी अच्छा, अगर आप भी चाहते हो तो इसे ले सकते हो, लेकिन उतना ज़रूरी तो नहीं लेना, आपकी मर्ज़ी। और ये रहा एक ब्रेडेड केबल, इसकी जो MRP है वो लगभग 500 है, लेकिन आपको 200-250 में ये कभी भी मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे, तो आप देख सकते हो। मैंने बहुत बार इसे परचेज किया हूँ और बहुत बार मैंने यूज़ भी किया हूँ, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो इसलिए मैंने एक गिव अवे रखा। पहली बार मेरे चैनल पे एक गिव अवे मैं रखा हूँ। अगर आप इस गिव अवे में इंटरेस्ट हो तो अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इस वीडियो को आपको 200 लाइक लाना है, और इस वीडियो को 200 लाइक जब भी आएंगे तब मैंने इसका गिव अवे कर दूंगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, जो फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया था, ये भी एक केबल ही है, जो डेटा केबल ही है, जो कि बोर्ड की तरफ से आता है, और ये मैंने फ़िलहाल के लिए अपने यूज़ मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज किया हूँ। हो सके तो मैं इसका भी गिव अवे करूँगा कुछ आने वाले वीडियो में। और इसे भी मैंने पहली बार परचेज तो नहीं किया, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 परचेज किया था, और तब काफ़ी कम था इसका MRP, लगभग 69 या 59 था, लगभग मुझे याद तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये एक ये है केबल। और मैंने इसे जब परचेज किया तो मैंने खुद शॉक हुआ था, मैंने दिया हूँ सिर्फ 60 या 70 रुपीज़, लेकिन इसके साथ ये देखिए 2 साल की आपको वारंटी मिल रही है, तो ये अच्छा ही केबल है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप भी एक अच्छा केबल की तलाश में हो तो ये जो बोट का जो नया केबल है काफ़ी अच्छा है, और 2 साल की वारंटी के साथ आता है, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो अगर चाहे तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और जो केबल की जो क्वालिटी है, जो लेंथ वगैरह है, काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा लेंथ ज़्यादा होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन मुझे थोड़ा लेंथ यहाँ पर कम लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा है। अगर आप 60-70 में देते हो तो एक ही बात में मैं ख़त्म करने जाता हूँ, तो प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, ये भी मैंने 150 या 200 परचेज किया हूँ, और इसका भी यहाँ पर MRP लगभग 500 है, लेकिन ये भी कभी कभी आपको 150 या 200 में मिल जाता है, और इसकी भी जो परफॉर्मेंस जो भी है काफ़ी अच्छा है, और जो केबल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, ब्रेडेड केबल है, काफ़ी यहाँ पर एक बिल्ड भी अच्छा है, लेकिन वारंटी इसका बहुत ही कम है, लगभग 3 महीने या 4 महीने का जो वारंटी है। तो चलिए वो छोड़ देते हैं, अभी हम चलते हैं यहाँ फ़ोन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 2 Realme 5 परचेज किया हूँ, सेम कलर है, सेम स्टोरेज है, क्योंकि वो डिस्काउंट था इसलिए मैंने यहाँ पर परचेज करना पड़ा। 464 परचेज किया हूँ मैं, 332 पे यहाँ पर डबल डिस्काउंट था, लेकिन मैंने 464 परचेज किया हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, जो इसकी जो सार वैल्यू है, यहाँ पर देखिए सार वैल्यू थोड़ा ज़्यादा ही है मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो रियलमी के जो जितने भी मैं फ़ोन रिव्यू किया हूँ उसकी जो सार वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर देखिए आपको जो हेड के लिए आपको 1.180 मिल जाता है, और बॉडी के लिए 0.631 यहाँ पर सार वैल्यू मिल जाती है। और मैंने परचेज किया हूँ ब्लू कलर में, 464, और तो मैंने 2 परचेज किया। और चलिए अभी हम साइड रखते हैं दोनों को, अभी मैंने यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Realme 3 का। हालांकि मैंने Realme 3 का भी अनबॉक्सिंग किया हूँ और वीडियो भी डाला हूँ इस चैनल लेकिन इस पे। वीडियो फिर से बताने का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इतना ही है, ये इस फ़ोन को लगभग 8.5 हज़ार यहाँ पर मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे, कभी देखे 8.5 हज़ार ही रहता है इसका जो MRP, लेकिन इस बार जो बिग बिलियन दिवाली का जो सेल था उस टाइम में इसका जो MRP था वो लगभग 8 हज़ार था, और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के साथ साथ कार्ड का जो 10% डिस्काउंट वो भी मिल रहा था, तो लगभग मैंने 1600 डिस्काउंट में निकाल के मुझे गिरा ये फ़ोन 6400 में। तो 6400 में अगर इस फ़ोन को अगर आप परचेज़ करते हो तो काफ़ी अच्छी डील है, तो इसलिए मैंने भी परचेज़ किया, और मैंने भी परचेज़ करके आपको इस वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोनों फ़ोन अभी हम साइड में हटा लेते हैं, और इसके बाद इस फ़ोन का जो हम अनबॉक्सिंग, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ इस तरह से देखिए, ग्रे और यहाँ पर येलो का एक डिज़ाइन है, तो बॉक्स मैंने यहाँ पर ओपन किया, ओपन करते ही यहाँ पर देखिए Realme यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ इस तरह से एक छोटा बॉक्स मिल जाता है, और इसमें आपको कुछ पेपर वर्क्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ
टीपीयू केस मिल जाते हैं, और टीपीयू केस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और ये रहा डायमंड रेड में, यहाँ पर देखिए डायमंड रेड मैंने परचेज़ किया हूँ। और रियल मी ज़्यादातर जितने भी फ़ोन निकालता है उसमें मैक्सिमम आपको 2 सिम और 1 SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पर देता है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। मैं रियल मी को यहाँ पर एक थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद लेकिन जो उसका जो UI है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कलर वाइज मिलता है तो कभी कभी फ़ोन यहाँ पर लैग भी होता है। बहुत बार मेरे फ़ोन लैग होता है और इसलिए मैंने कलर वाइज को मैं उतना खास यहाँ पर ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो चलिए फ़ोन का यहाँ पर पर्दा हमें हटा लेते हैं कुछ इस तरह से, देखिए जो डायमंड रेड यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसे, और ये जो कलर है सेम टू सेम Realme 3i जैसा ही दिखता है। और Realme 3i को अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों सेम लगते हैं, आपको पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा Realme 3 है और कौन सा Realme 3i है। तो बॉक्स में क्या मिलते हैं देख लेते हैं एक बार फिर भी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक 10 वाट का एक चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है चार्ज करने के लिए आपके फ़ोन को। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का एक चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है, और कुछ इस तरह से जो रियलमी के एडाप्टर रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। और जो यहाँ पर एक USB 2 माइक्रो USB केबल मिल जाती है, और केबल की जो क्वालिटी जो बोलते हैं ना वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है रियलमी के। इसीलिए तो हम रियलमी को इंडिया का नंबर 1 क्वालिटी ब्रांड हम मानते हैं, क्योंकि जो TPU केस से लेकर आपको जितने भी जो एक्सेसरी प्रोवाइड करता है वो अच्छे से अच्छे यहाँ पर देने की कोशिश करता है। तो चलिए हम फटाफट अब इसका फर्स्ट बूट कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि आपको 6.2 इंच का एक HD+ डिस्प्ले मिल जाता है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। और यहाँ पर देखिए आपको एक डायमंड रेड डिज़ाइन मिल जाता है, 13+2 का कैमरा मिल जाता है, f/1.8 का अपर्चर, और पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। सामने भी आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और नीचे देखिए यहाँ पर USB पोर्ट और स्पीकर पिन, 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। और जो फ़ोन काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है, तो मैंने फ़ोन को यहाँ पर ऑलरेडी सेट किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ़ोन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर देखिए फ़ोन को मैंने पोको लॉन्चर के साथ यहाँ पर रखा हूँ। और अभी हम चलते हैं सेटिंग्स में। यहाँ पर देखिए अबाउट फ़ोन में आपको क्या कुछ मिल जाता है, यहाँ पर देखिए जो रियलमी मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए 3 GB और रैम मिल जाता है, और 32 GB में से आपको 18 GB यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं फर्स्ट बूट में। तो ये मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, आपको 32 GB में से आपको 18 GB मिल रहा है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 1.3 GB की रैम यहाँ पर फ्री मिल जाती है फर्स्ट बूट में। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर पोको लॉन्चर यहाँ पर सेट किया हूँ, और ज़्यादा ऐप भी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया, और जितने भी प्री इंस्टॉल ऐप थे वो सारे यहाँ पर मैंने डिलीट किया हूँ, और उसके बाद कुछ थोड़े बहुत ऐप मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हूँ। और यहाँ पर 18 GB यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन वो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो ले आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।